हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स विद एसके। आज पढ़ने वाले हम नेशनल इनकम में इनकम मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। शुरुआत करते हैं। तो गाइस देखिए, आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड जीडीपी एंड एमपी। नेशनल इनकम और जीडीपी एंड एमपी कैलकुलेट करना है। आपको दे रखा है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, वेजेस एंड सैलरी इन केस, सॉरी, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मेड इनकम, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट मीन्स वी कैन कॉल इट डेप्रिसिएशन आल्सो, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज एंड एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये माइनस में दिया है, बाकी सब तो प्लस में ही है। ठीक, तो हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। अब बाय इनकम मेथड यदि आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो पहले हमको पता है कि इनकम मेथड में तीन मेजर कंपोनेंट है। उसमें इनकम मेथड के तीन मेजर कंपोनेंट है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीज आती है, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमको पता है कि प्रॉफिट आता है, तो फिर प्रॉफिट के अलावा रेंट, रॉयल्टी यदि दे रखी हो तो वो भी, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये सारी चीजें आती है। यदि रॉयल्टी दे रखी होगी तो वो भी हम लिख लेंगे, रॉयल्टी नहीं दे रखी इसलिए छोड़ो। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। दूसरा कंपोनेंट होता है मिड इनकम, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड जो है या प्रोफेशनल्स जो है उनकी इनकम को मिड इनकम। अब ये भी हमें डायरेक्ट दे रखा हो कोई बात नहीं। नेक्स्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में दो टाइप की चीज शामिल होती है, एक होता है सैलरी इन कैश और दूसरी है सैलरी इन काइंड। सैलरी इन कैश यानी जो बेसिक सैलरी मिलती है वो, सैलरी इन काइंड इट मीन्स यदि कोई हाउस की फैसिलिटी दे रखी हो, चाइल्ड एजुकेशन की फैसिलिटी दे रखी हो, या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हो। कौन सा कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि पीएफ वगैरह में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, ये सारी चीजें प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट है, इनको तीनों को प्लस करने से हमको मिलेगा डोमेस्टिक इनकम, उसमें एनएफआईए प्लस करने के मिल जाएगा नेशनल इनकम। चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट, प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा क्या हमको, प्रॉफिट दे रखा ये रहा डायरेक्ट, आपको प्रॉफिट दे रखा 130, राइट, तो मैंने 130 प्रॉफिट लिख दिया, राइट, रेंट ये दे रखा, रेंट है 100 रुपीज, मैंने 100 रेंट लिख दिया, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दे रखा गया, ये रहा इंटरेस्ट, ये रहा 120 मैंने लिख दिया, ओके। अब रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसका आपको दे रखा गया नहीं दे रखा। हाँ, यहाँ एक बात जरूर देखने को मिल रही होगी कि आपने देखा होगा कि ये दोनों फिर किस काम के, रिटर्न अर्निंग भी दे रखा हो, डिविडेंड भी दे रखा है। ये यदि हमें प्रॉफिट नहीं दिया होता तो हमको, मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट के तीन हिस्से होते हैं। प्रॉफिट नहीं दिया होता तो इसमें डिविडेंड, एक तो डिविडेंड हो गया, दूसरा जो रिटर्न अर्निंग है इसको हम प्लस कर लेते हैं, डिविडेंड है, रिटर्न अर्निंग हमने प्लस कर लिया। तो इसके अलावा जो कंपनी ने जो टैक्स वगैरह दिया है, जो कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है, वो हम प्लस कर ले तो हमें प्रॉफिट मिल जाता। लेकिन फिलहाल हमें डायरेक्टली यदि प्रॉफिट दे रखा है, डायरेक्टली प्रॉफिट दे रखा है तो हमें जरूरत नहीं है फिलहाल इस क्वेश्चन। तो आपको बहुत सारे से क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें बहुत सारी चीजें ऐसी दी होगी जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट दे रखा है, डायरेक्ट हमने प्रॉफिट लिख लिया। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड इनकम की। मिक्स्ड इनकम में 300, राइट, तो मिक्स्ड इनकम लिख लिया 300, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सबसे पहले वेजेस एंड सैलरी इन केस दे रखा है, चलो ठीक है, वेजेस एंड सैलरी इन केस, तो ये 1000 मैंने लिखा। अब वेजेस एंड सैलरी इन काइंड दिया हुआ है क्या यहाँ पर, नहीं दिया हुआ है। अच्छा, इसमें हमें कोई ऐसा दिया हुआ है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, चलो भी ये भी नहीं दे रखा है। ऐसी उनको एक्स्ट्रा चीज नहीं दे रखी, हाउस रेंट अलाउंस टू एम्प्लॉयज या अदर फैसिलिटीज टू एम्प्लॉयज, कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है। यदि दिया होता तो वो भी हम यहाँ पर प्लस करते हैं, ठीक। इन तीनों को हमने प्लस किया तो तीनों को प्लस करने से क्या मिलेगा, एनडीपी एट एफसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डोमेस्टिक इनकम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डोमेस्टिक इनकम। अब हम आपने इन तीनों को प्लस किया
तो ये देखिए प्लस किया आपने 0000 3 and 2 5, फिर उसके बाद 1 1 1 3 हो गया, 3 and 3 6, चलो 6 लिख दिया, और ये 1 6 5 0, ये आया क्या, ये आया डोमेस्टिक इनकम। क्या आया? डोमेस्टिक इनकम। अब आपको पता है डोमेस्टिक इनकम में यदि हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यदि प्लस कर दें, इसमें दो चीजें, फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना है और टू अब्रॉड माइनस करना रहता है, और यदि डायरेक्टली हमको दे रखा हो NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उसको हम सीधे प्लस कर देते हैं। तो हम इसमें प्लस करेंगे NFIA। अब NFIA हमें दिया हुआ है क्या, इस क्वेश्चन में दे रखा है NFIA, लेकिन NFIA प्लस करना है, लेकिन दिया किसमें है, माइनस में, इसलिए वो माइनस हो जाएगा, राइट। यानी कि ये बचा 1630, ये क्या आया, ये आया NNP@FC, यानी इसको ही हम बोलेंगे नेशनल इनकम, राइट। तो ये तो आ गई नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक, नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड, ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट है GDP@MP कैलकुलेट करना है, GDP@MP, देखिए आपको यहां दिया हुआ है NDP@FC, ये कितना दिया हुआ है 1650, राइट। अब इस एनडीपी में, देखिए एन है और वहां पर जी है, तो पहले इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है डेप्रेशन प्लस करेंगे, डेप्रेशन प्लस करेंगे तो एन क्या हो जाएगा, जी में बदल जाएगा, तो GDP@FC हो गया। अब यदि कोई चीज एफसी भी दे रखी हो, फैक्टर कॉस्ट में दे रखी हो, तो उसमें हमें क्या प्लस करना रहता है, उसमें हमें प्लस करना रहता है एनआईडी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करना। तो आपको इसमें प्लस करना है एनआईडी भी, आप इसमें प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, GDP@MP आपको मिल जाएगा, राइट। अब देखते हैं डेप्रेशन दे रखा क्या, डेप्रेशन दे रखा आपको ये रहा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रेशन ऑफ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एक ही बात है, तो ये दे रखा 50, मैंने चलो 50 यहां पर प्लस किया, प्लस NIT, देखिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स और ये रही सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स में से यदि आप सब्सिडी को माइनस कर देंगे, 75 दे रखा है माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो कहलाएगा NIT, वो क्या कहलाएगा NIT, राइट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, माइनस किया ये आ गया 25, तो NIT भी मैंने यहां पर प्लस करना है, तो NIT मैंने प्लस किया 25, तो ये 75 रुपीज प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया अपना 1725, राइट। ये क्या आया GDP@MP, क्या आया GDP@MP, और ये क्या था, ये था अपना नेशनल इनकम, राइट। तो दोनों चीज हमने कैलकुलेट की, और कौन से मेथड से कैलकुलेट की, हमने कैलकुलेट की इनकम मेथड के थ्रू। और इसमें खास बात ये कि जब भी इनकम मेथड की बात हो तो तीन कंपोनेंट याद रखना है, और वो याद रखने का तरीका क्या हो सकता है माय डियर, याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि बिजनेसमैन की इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रोफेशनल्स की इनकम मिड डे इनकम, और कंपनी एज एन एम्प्लॉई यानी कि इम्प्लॉइज की इनकम। हम शुरुआत से लेवल क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन एरिया में बटी हुई है, एक तो इम्प्लॉई, दूसरा बिजनेसमैन और तीसरा प्रोफेशनल्स। तो तीनों की इनकम होगी, इनको हम प्लस करेंगे हमें डोमेस्टिक इनकम मिलेगी, इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यदि प्लस कर लेंगे तो हमको जो है नेशनल इनकम मिल जाएगी, राइट है। तो ये था न्यूमेरिकल नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड के बारे में, आगे और भी हम चीजें करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, और देखते हैं नेक्स्ट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो जो है विजिट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।